हेलो, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में ओवरले का क्या यूज़ होता है। तो आरपीजी लिए में हमारे पास एक कीवर्ड है ओवरले, तो हम उसका यूज़ देखते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है ओवरले डीएस। तो टॉपिक हमारा है ओवरले एंड डेटा स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हमने एक डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है उसका नेम है डेटा। हम यहाँ पे डीसीएल डीएस से डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो डेटा, और ये क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर है। क्वालिफाइड मीन्स इसकी जो भी फील्ड्स हैं हम उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इस डेटा स्ट्रक्चर के नेम डॉट उस फील्ड के नेम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमने इसकी फील्ड रखी है वो है टाइम बेस स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प है, उसके बाद में नेक्स्ट फील्ड है ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो मेनली हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प में कुछ डेटा स्टोर करेंगे और उनको ब्रेक करेंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ पे ओवरले का यूज करते हैं। तो ओवरले कीवर्ड क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को सब फील्ड में डिवाइड कर सकते हैं हम उसके हेल्प से। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास एक डेट है, तो इसमें मैंने किस तरह से लिखा है, 2021, मंथ है अगस्त 08, एंड उसके बाद में यहाँ पे डे है हमारा 7, और टाइम हमने लिया 2:35 और 01 सेकेंड्स। तो अब हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम इस तरह की एक हमारे पास डेट आ रही है और उस हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो उसे ब्रेक करने के लिए हम क्या ओवरले का यूज करेंगे। तो ओवरले के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन की ईयर, ये है 4 लेंथ की, तो इसका करेक्टर 4 हमने लिखा है, और हम यहाँ पे इसको ओवरले कर रहे हैं टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प जो फील्ड है उसमें जो भी डेटा होगा उसको ये ओवरले करेगा, और स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी 1 से। तो फर्स्ट पोजीशन से इसका साइज 4 है, तो ये 4 डेटा ले लेगा। तो फर्स्ट पोजीशन से 1, 2, 3, 4, तो ये 4 डिजिट जो है वो आ जाएगी ईयर के अंदर। सिमिलरली हमने नेक्स्ट में दिया मंथ के लिए स्टार्टिंग पोजीशन 5, और तो ये स्टार्टिंग पोजीशन देगा 5, और 5 से हम 2 डिजिट को पिक करेंगे और मंथ में स्टोर करेंगे। और इसकी बाद में हम डे वाले में भी, यहाँ पे 7 हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो हम यहाँ से 7 और उससे 2 करेक्टर पिक कर लेंगे। इस तरह से हम आर में, मिनट में और सेकंड में इस इन फील्ड्स को ब्रेक करेंगे। अब हम लॉजिक देखते हैं। लॉजिक में मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना है कि ये हमारी टाइम स्टैम्प है, और टाइम स्टैम्प को हम कंप्लीट प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्प्ले कराया, उसके बाद में हम डेटा डॉट टाइम स्टैम्प में एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा डॉट टाइम स्टैम्प में मैंने ये कंप्लीट टाइम स्टैम्प डाल दिए जो 14 करेक्टर की है, और फिर हमने उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया है। अब इसके बाद में हम कुछ भी इसमें इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, बाकी जो भी चीज़ होगा वो ओवरले कीवर्ड की हेल्प से होगा। तो ओवरले के अकॉर्डिंग हमारे को ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, ये सब हमारे को रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ टैग दिया है उसको, जैसे डिस्प्ले ईयर, और फिर डेटा डॉट ईयर, डिस्प्ले मंथ, डेटा डॉट मंथ, और इस तरह से डे, आवर और मिनट को भी हमने डिस्प्ले कराया। तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा ओवरले रन होगा, और ओवरले की वजह से हम टाइम स्टैम्प से इन सब की वैल्यू ब्रेक करके इसमें स्टोर करेंगे। तो मैं इसको अब आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो कंपाइल 14 कॉल कॉल करने के बाद में सबसे पहले हमारे को टाइम स्टैम्प शो हुआ। अब हमें एंटर करेंगे तो ये कंप्लीट टाइम स्टैम्प जो था वो है। अब नेक्स्ट हम ईयर को ब्रेक कर रहा है अपन ने ओवरले की हेल्प से, तो वो 4 करेक्टर्स से पिक कर लेगा। तो मैंने एंटर किया तो ईयर, और ये 4 वैल्यूज की आ गई। उसके बाद में हम मंथ पिक कर रहे हैं 2 करेक्टर, तो ये 2 करेक्टर मंथ यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद में हम 2 डे के लिए कर रहे हैं, तो ये डे 2 करेक्टर, और उसके बाद में हम आर कर रहे हैं, आर में आएगा 02, और फिर हम मिनट्स के लिए कर रहे हैं 2 करेक्टर, तो ये 35, और हम लास्ट में सेकंड को भी फेच कर रहे हैं 2 करेक्टर, तो ये आएगा 01। तो इस तरीके से हमारा ओवरले यूज में आता है। तो अब मैं इसको आपको डीबग में भी दिखा देता हूँ एक बार। डीबग में लेने के लिए 14 ऑप्शन के बाद में F4 लिया मैंने, और F10 के बाद में हम इसको सोर्स से कंपाइल करेंगे। यस, ये अब हमारा डीबग पे लगाने के लिए हम कमांड यूज करेंगे strdbg। तो अभी हमने इसको सोर्स से कंपाइल किया था, अब हम डीबग लगाने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे strdbg F4, और प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम था मेरा ओवरले डीएस, और लाइब्रेरी है मेरी शर्मित 1, और इसको हम प्रोडक्शन और ओपन सोर्स को यस कर देंगे और एंटर हिट करेंगे। तो एंटर हिट करते ही इसमें प्रोग्राम नेम ओवरले डीएस
ओवल डीटीएस, तो ये यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। लाइब्रेरी नेम में मिस्टेक हुआ यहाँ पे, तो लाइब्रेरी नेम हमारा शर्मित 1 है। अब हम इसको एंटर करेंगे तो ये डीबग मोड पे अब लग रहा है। जैसे ये डीबग मोड पे लगेगा हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे फर्स्ट लाइन पे और फिर लाइन बाय लाइन फ्लो को चेक करेंगे। तो अभी ये डीबग में थोड़ा टाइम लगता है, तो अब हमारा डीबग मोड पे आ चुका है। अब हमें अब BR1 लिखेंगे फर्स्ट लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए, और अब हम F10 प्रेस करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम कॉल करेंगे, कॉल कॉल के बाद में हम लिखेंगे ओवरले PS। अब हम F10 प्रेस करते हैं, तो F10 प्रेस करने के बाद हमारे टाइम स्टैम्प की वैल्यू आ गई, फिर हमने ईयर की वैल्यू प्रिंट करी, तो ये लाइन बाय लाइन शो कर रहा है। तो ओवरले यहाँ पे इस तरह से ब्रेक होता है। अब इसको हम चेक करना चाहें तो 11 की वैल्यू से यहाँ पे डेटा डॉट ईयर लिखेंगे, डेटा डॉट ईयर, तो ये 2021। इस तरह से ये फील्ड्स को ब्रेक कर रहा है। तो हम ओवरले में मेन जो पैरामीटर देते हैं वो है फर्स्ट, तो हम किस फील्ड से हमारे को ब्रेक करना है, और सेकंड हम देते हैं कि स्टार्टिंग पोजिशन क्या रहेगी। हम अगर सपोज ईयर में से भी दो वैल्यू को ब्रेक करना चाहते हैं, सपोज 2021 में से हमारे को 21 पिक करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईयर, ईयर से फर्स्ट पोजीशन से दो करेक्टर हमारे को फेच करने हैं, और उस फील्ड को कुछ हम नाम दे सकते हैं। तो ओवरले का यही यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, कभी भी हमारे को किसी पर्टिकुलर फील्ड को सब फील्ड्स में डिवाइड करना, तो उस केस में हम ओवरले डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ओवरले कीवर्ड है उसको यूज करते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और RPGL टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैप।